वन वर्ड व्यू फर्स्ट अकाउंटेंट्स, वन वर्ल्ड व्यू जेनेटिक यूनिटी कॉमन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कॉमन एवोल्यूशनरी फोर्सेज एंड कॉमन एन्वायरमेंटल फोर्सेज सो फर्स्ट द वन वर्ल्ड व्यू दुनिया तो एक ही है पर ये वन वर्ल्ड व्यू कहाँ से आ गया है वन वर्ल्ड व्यू बेसिकली जो साइंटिफिकली एक टर्म है जो ये कहती है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारा एक कॉमन औरिजिन है उनका यानी वो तमाम का औरिजन जो है वो एक ही है या कम अज़ कम हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का जो बेसिक पैटर्न ऑफ लाइफ है वो सेम है कॉमन औरिजन का मतलब ये है कि तमाम की तमाम जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं जो कुछ भी लाइफ के मतलब चीज़ें हैं लाइफ बहुत डाइवर्स है लेकिन वो ये शो कर रहा है कि और सब का औरिजन कॉमन है उनके करेक्ट्रस्टिक जो है वो कॉमन है सो so, वन वर्ल्ड यू मीन लाइफ इज़ वेरी डायवर्स बट देयर ओरिजिन इज़ वन उनका एक ही ओरिजिन है वहीं से लाइफ जो है वो ओरिजिन हुई है उसकी रीज़न रीज़न ये है कि लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉमनली शेयर हो रही हैं उन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है जेनेटिक यूनिटी आप बैक्टीरिया ले लें प्लांट ले लें फंजाए ले लें या एनिमल्स ले लें एनिमल्स में भी आप प्रोटोजोआ ले लें या ह्यूमन को पकड़ लें तमाम एनिमल्स तमाम प्लाट्स तमाम फंजाए तमाम बैक्टीरिया सबका के अंदर जो है वो बेसिक जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है तो इसका मतलब है जेनेटिक यूनिटी है सब का जेनेटिक मटेरियल एक ही है दैट इज़ द डीएनए एन इससे तमाम एनिमल्स के अंदर या तमाम ग्रुप्स के अंदर इवन तमाम एनिमल्स के भी अंदर जितने भी डी एन है वो सारे के सारे चार निक्लोटाइड बेसिस से बने हुए हैं तो फोर निकलोटाइड्स हैं जो बार बार मिलने से बने हैं तो इसका हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ह्यूमन के डीएनए की कंपोजिशन कुछ और है और जो प्लांट्स का डीएनए है वो किसी और चीज़ से बना हुआ नहीं डीएनए जो है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ सेम मटेरियल तो इसी रेफरेंस से जेनेटिकली जो है ऑल द इंडिविजुअल आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर सेम दे हैव सेम जेनेटिक मटेरियल एंड दिस जेनेटिक मटेरियल इज डूइंग सेम वर्क यानी तमाम आई बैक्टीरिया के अंदर भी डी वही काम कर रहा है जो कि ह्यूमन के अंदर काम कर रहा है तो इट मीन्स ऑल द जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड इज सेम फ्रॉम बैक्टीरिया टू द ह्यूमन जेनेटिक कोड कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो डीएनए आगे सेल को काम करने के लिए प्रोवाइड करता है तो वो इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया में भी सेम वही है ह्यूमन के अंदर भी वही है दूसरी चीज़ जिसके ऊपर हम कहते हैं कि जो लाइफ है वो कॉमन है दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इफ यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया इफ यू टॉक अबाउट फंजाई इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स इन एनिमल्स यू टॉक अबाउट इनवर्टिब्रेट्स यू टॉक अबाउट वर्टिब्रेट्स यू टॉक अबाउट टॉप मोस्ट वोटिवेट ह्यूमन, ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब भी कॉन्सेप्ट लेंगे तो पहली बात यह आगी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के मिलने से बने हाँ ये सेल्स प्रोक्रियोटिक सेल हो सकता है यू सेल होता है लेकिन होगा सेल अब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल तो इसका मतलब यह होगा कि जो स्ट्रक्चरल रेफरेंस अगर हम देखें जैसे अभी हमने कहा जेनेटिकली साहब पास डीएनए है तो स्ट्रक्चरली भी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम दे आर मेडअप ऑफ सेल्स तो स्ट्रक्चरली भी द ए एनिमल्स दे आर हैविंग कॉमन नेस दे हैव वन ओरिजन उनका कॉमन ओरिजन की तरफ जाते हैं यानी कि वन नेस की तरफ जाते हैं वन वर्ल्ड व्यू यही है कि तमाम लाइफ लाइफ बहुत डायवर्स है मिलियंस ऑफ स्पीश एग्जिस्ट करती हैं लेकिन स्ट्रक्चरली दे आर आर मेडअप ऑफ वन सेल्स वो सारी सारी सेल्स बनी हैं दूसरा इंपॉर्टेंट रोल कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो भी सेल है यानी कि जो वर्क कर रहे हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी जो टांग है टांग के सेल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं अगर मेरा हैंड मूव कर तो हैंड के अंदर सेल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं ये सेल्स ग्रुप की फार्म में टिश्यू की फार्म में एग्जिस्ट करते हैं बट एक्चुअली जो यानी कि बेस लाइन के ऊपर डेप्थ में जाकर देखें तो सेल्स ही हैं जो क्या कर रहे हैं बार बार वर्क कर रहे हैं तो सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अब जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज एक ही चीज़ वर्क कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कहीं ना कहीं तो उनमें कोई चीज़ कॉमन है वो कॉमन ओरिजिन की तरफ जाते हैं तीसरी चीज़ जिसकी वजह से हम लाइफ को कॉमन इन कहते हैं कि दुनिया सारी के अंदर जितनी भी लाइफ है वो कॉमन ओरिजिन रखती है या वर्ल्ड वर्ल्ड व्यू है वो है दैट इज़ द एवोल्यूशनरी फोर्सेस का होना एवोल्यूशनरी फोर्सेस बेसिकली वो फोर्सेस हैं जो वक्त के साथ साथ चेंज हो करती हैं लाइफ को जैसे अगर हम सिंपली बात करें ह्यूमन की जो हाइट आज है कभी भी इतनी नहीं थी इससे ज़्यादा थी इवन ह्यूमन की हाइट का मतलब ह्यूमन के अंदर ह्यूमन बीइंग ह्यूमन भी उसके अंदर एवोल्यूशन का मतलब जब हम करते हैं इट डजन मीन कि एक चीज़ से नई चीज़ बन रही है वो एवोल्यूशन एक पार्ट है एवोल्यूशन का मतलब है चेंज विद द पैसेज ऑफ जितनी भी चेंजेस हैं वो सारी की सारी एवोल्यूशन है जैसे हमारे जो इंसेस्टर्स थे उनकी हाइट कितनी बड़ी थी इसी तरह से जो हमारे एनसेस के नंबर ऑफ़ हेयर जो है था, वो हमसे डिफरेंट था तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हाइट चेंज हो रही है बाकी बॉडी फीचर चेंज हो रहे हैं तो ये सारी सारी एवोल्यूशन है अब इस एवोल्यूशन के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं रोल उन फैक्टर में जेनेटिक ड्रिफ्ट है इनब्रीडिंग है सिलेक्शन है जीन फ्लो है म्यूटेशन है ये मुख्य करैक्टर हैं जरूरी नहीं सारे काम कर रहे हो कुछ फैक्टर्स जो हैं जब काम करते हैं तो हम कहते हैं कि से ये चेंज करेंगे ये एवोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे अब जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर सारी लाइफ के ऊपर ये सारे फैक्टर इक्वली इफेक्ट करते हैं करती अफेक्ट कर सकते हैं इक्वली ना भी करें ऑल दीज एवोल्यूशनरी फैक्टर दे इफेक्ट द लाइफ अब चूंकि सब के साथ बराबर का सलूक हो रहा है तो वी से दैट ऑल द लाइफ इट इज़ हैविंग कॉमन ओरिजिन या वन एस की तरफ से जा हम जाते हैं एंड लास्ट थिंग द इन्वायरमेंट वेयर लाइफ इज सस्टेनिंग वो एन्वायरमेंट जिसके अंदर हम रह रहे हैं ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स बर्ड्स जितनी भी फंजाई है प्रोटोजोआ है बैक्टीरिया है वो सारे के सारे एक ही इन्वायरमेंट एक ही अर्थ के ऊपर रह रहे हैं सारे लिहाजा जो अर्थ की जितनी भी फोर्सेज हैं वो सबको क्या करेंगे इंटरेक्ट करना पड़ेगा उससे ठीक ऑल ऑर्गेनिज्म दे लिव ऑन अर्थ ऑल इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट एंड ऑल गेट फूड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट इवन प्लांट्स भी अपना फूड जो है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन्वायरमेंट से लेते हैं ह्यूमन है बाकी एनिमल्स में वो सारे के सारे अपना फूड जो है इन्वायरमेंट से लेते हैं अब जब स्ट्रक्चरल यूनिटी मौजूद है जेनेटिक यूनिटी मौजूद है इन्वामेंट सेम है तो फिर साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि मोस्ट प्रोबेबली लाइफ जो है वो किसी कॉमन थीम से ही औरट हुई है अगर हम बींग मुस्लिम ये तो कहते हैं कि ह्यूमन इज अ स्पेशल क्रिएशन लेकिन स्पेशल यस वी आर स्पेशल क्रिएशन लेकिन जो लाइफ का स्टार्ट है जो पैटर्न ऑफ लाइफ है वो तो कॉमन हो सकता है पैटर्न ऑफ लाइफ का मतलब ये है आप डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं लेकर बनाने के लिए तो आप इंटें यूज़ करते हैं तो इसका मतलब तमाम बिल्डिंग्स के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है ब्रिक्स हैं पैटर्न तो वही है बनाने के लिए इसलिए तमाम लाइफ के अंदर लिविंग ऑर्गजम जितने भी हैं डाइवर्स हैं नो डाउट जब उनको जब एक कुदरत ने पैदा किया है लेकिन उन सब का एक कॉमन पैटर्न ऑफ ओरिजिन तो हो सकता है